दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। पठानकोट शहर की पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसएचओ विपन कुमार ने बताया कि प्रवीण कुमारी नामक लड़की ने उन्हें शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी शादी राकेश कुमार निवासी नंगल कोठे के साथ हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय पश्चात ही ससुराल पक्ष वाले उसे दहेज के लिए तंग करने लग गए। पुलिस द्वारा की गई जांच में यह सामने आया है कि ससुराल पक्ष ही दोषी है, जिसके तहत आरोपियों पर दहेज रोको एक्ट मामला दर्ज कर उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। पकड़े गए उक्त युवक की पहचान अजीत सिंह के रूप में हुई है। प्रवीण कुमारी पत्नी राकेश कुमार वासी नंदपुर रड़ा पठानकोट ने एक कंप्लेंट दी थी सानू कि जनवरी 2014 च उसकी शादी राकेश कुमार वासी आजाद नगर गुरदासपुर ना हुई सी। शादी तो कुछ दिन बाद उसका घरवाला सस सहुरा और देवर ओनू होर दाज लिया तंग परेशान करना शुरू कर दिता और जेडे मेरा सहुरा अजीत और देवर लखवीर इनू सैक्सुअली हरासमेंट भी करते सी, क्योंकि इहदा हसबेंड जेड़ा सी शादी तो कुछ दिन बाद ही सऊदी अरब जेड़ा अपने काम वास्ते चला गया सी। इस सारे मसले की असी इनकुआरी करके मुकदमा दर्ज किया सी। उस दे विच इन्हां दे घर अज रेड किया गया। घर लड़की प्रवीण का सहुरा अजीत कुमार घर हाजिर मिलिया, जिन्हां नूं मुकदमे दे विच गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके पछताछ करके इस पासों जिहड़े डायरी आइटम्स हैगियां उह वी रिकवर करके इन्हां पेश अदालत किया जाऊगा।